कांग्रेस ने इसमें अनावश्यक चीजों को जबरदस्ती भरकर संविधान को मूल रूप से विकृत कर दिया, खासकर ऐसे कानून लाकर जिनका उद्देश्य हिंदू समाज को दबाना था। एक वीडियो में मिर्धा कहती नजर आ रही थी कि देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने होते हैं, उसके लिए हमें कई संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। इस धरे पे, इस थ्योरी पे लगातार विपक्षी नेता चलते रहे शुरू से लेकर अब तक। अब तो 7वां चरण जो है 2 दिन बाद हो जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन दोनों पॉइंट्स पर दलितों पिछड़ों पर असर पड़ा है? आरक्षण को भी खत्म कर देंगे और इसीलिए वो 400 सीटें मांग रहे हैं, तो आप जरा शांत रहिए, आप लोग मत दीजिए बीजेपी को वोट, ऐसा विपक्षी दलों का कहना है। एट नाइन में बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ काजोल नारायण। लोकसभा चुनाव में इस बार 2 मुद्दे सबसे ज्यादा अहम रहे, हालांकि पहला मौका नहीं है, हर बार ये दोनों जो मुद्दे हैं सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहते हैं। पहला संविधान, दूसरा आरक्षण। लोकसभा चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके हैं और अब सिर्फ 7वां और अंतिम चरण बाकी है। इसके लिए 1 जून को वोट डाले जाएंगे, 4 जून को वोटों की गिनती होगी, फिर हमें पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। क्या एनडीए की सरकार रिपीट करेगी या इस बार जनता ने बदलाव पर मुहर लगाई है? इस बार के चुनाव प्रचार में वैसे तो सत्ताधारी बीजेपी और विपक्ष ने कई मुद्दों को उठाया, लेकिन एक बात जिसकी शायद सबसे ज्यादा चर्चा हुई है वो है भारतीय संविधान और आरक्षण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के शुरुआती दौर से ही इस बार 400 पार का नारा दिया था, हालांकि अब वो नारा कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आया। जाहिर है जब मोदी ने यह नारा दिया तो उनकी पार्टी और एनडीए गठबंधन के दूसरे नेता भी अपनी अपनी रैलियों में से दोहराएंगे, और ऐसा हुआ भी। बीजेपी के कुछ नेताओं और सांसदों के इस तरह के कुछ बयान भी आए। बीजेपी नेताओं के बयान उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, जो कि अब अयोध्या है, वहां से सांसद और बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह ने कहा था कि सरकार तो 272 सीटों पर ही बन जाती है, लेकिन संविधान बदलने या संशोधन करने के लिए 2/3 सीटों की जरूरत होती है। इसके अलावा कर्नाटक बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 6 बार सांसद रहे अनंत कुमार हेगड़े ने एक बयान में कहा था संविधान को फिर से लिखने की जरूरत है, कांग्रेस ने इसमें अनावश्यक चीजों को जबरदस्ती भरकर संविधान को मूल रूप से विकृत कर दिया, खासकर ऐसे कानून लाकर जिनका उद्देश्य हिंदू समाज को दबाना था। अगर ये सब बदलना है तो ये मौजूदा बहुमत के साथ संभव नहीं है। हालांकि बीजेपी ने उनके बयान से किनारा काट दिया और उनका टिकट भी काट दिया, क्योंकि संविधान आरक्षण ऐसा मुद्दा है कि कोई इसे टच नहीं करना चाहता। राजस्थान से भी ऐसी कोई खबर सामने आई। राजस्थान के नागौर से बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मिर्धा का भी बयान काफी ज्यादा वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, ट्वीट हुए इस पर जो अब एक्स है। एक वीडियो में मिर्धा कहती नजर आ रही थी कि देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने होते हैं, उसके लिए हमें कई संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। विपक्ष और खासकर उसके सबसे बड़े घटक दल कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी इसलिए 400 पार सीटें चाहती है ताकि वो संविधान को बदल सके। इस धरे पे, इस थ्योरी पे लगातार विपक्षी नेता चलते रहे शुरू से लेकर अब तक। अब तो 7वां चरण जो है 2 दिन बाद हो जाएगा। अब इंडिया गठबंधन ये कह रहा था कि ताकि वो संविधान को बदल सके, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन दोनों पॉइंट्स पर दलितों पिछड़ों पर असर पड़ा है? दलितों पिछड़ों के मिलने वाले आरक्षण खत्म कर सके, बीजेपी के इन्हीं कुछ नेताओं का बयान को आधार बनाया गया, आधार बनाकर इसे खूब बनाया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बड़ा चेहरा कांग्रेस का, या मैं कहूं कि इंडी गठबंधन का बड़ा चेहरा, राजद नेता लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, शिवसेना के उद्धव गुट के उद्धव ठाकरे, विपक्ष के लगभग हर नेता ये कह रहे थे कि अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो संविधान आरक्षण दोनों खतरे में पड़ जाएगा। हालांकि एनडीए गठबंधन के जो नेता हैं लगातार कहते रहे कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। संविधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी था, आपको याद होगा उन्होंने खुद सामने आकर जनता के कहा था कि संविधान ना खत्म हुआ है, संविधान ना खत्म होगा, ना संविधान कोई खत्म कर सकता है। कुछ दिन पहले की बात है, जब भीमराव अंबेडकर की जयंती थी उससे अगले दिन ये बात कही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आप सबको याद होगा बखूबी, खूब लोगों ने उस वीडियो को, उस वाक्य को, क्योंकि संविधान पर विपक्ष उंगली उठा रहा था तो खूब उसे वायरल किया। अब विपक्ष का ये नारा वाकई संविधान को बचाने के लिए है,
दलितों और पिछड़ों मतदाताओं को अपनी ओर खींचने के लिए है, मेरा कहना मुश्किल है। क्योंकि देखिए, वाकई ये लोग कुछ करना चाहते हैं या मतदाताओं को अपनी ओर खींच रहे हैं, मैं तो इस पर कुछ नहीं कह पाऊंगी, लेकिन हाँ, आप लोग मेरे से बेहतर जानते होंगे क्योंकि आप आपस में भी इन टॉपिक्स पर खूब बात करते होंगे, घरों में चाय पीते समय, नुक्कड़ों पर, या फिर जब आप ऑफिस से बाहर निकलते हैं, साथ में मिलते हैं, इन टॉपिक्स पर हर जगह बात हो रही है क्योंकि फिलहाल चुनाव का सीजन है। लेकिन ये जरूर कह सकती हूं कि मुद्दा पूरे प्रचार में छाया रहा। इस दो पॉइंट्स के बिना किसी भी जनसभा को पूरा नहीं कहा जा सकता। मैंने तो जितना देखा है, जितनी जनसभाएं सुनी हैं, उसमें ये मुद्दे रहे हैं दोनों, चाहे वो विपक्ष की तरफ से किसी भी जगह हो, कहीं भी हो, देश के किसी भी कोने में। SC ST का आरक्षण, केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले शिक्षण संस्थाओं और नौकरियों में दलितों को लगभग 15%, ST को लगभग 7.5%, पिछड़ों को 27% आरक्षण मिलता है। राज्य में भी उनको आरक्षण मिलता है, लेकिन उनकी संख्या में कुछ फर्क सा हो जाता है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संसद और विधानसभाओं में भी सीटें आरक्षित होती हैं। संसद की कुल 545 सीटों में से 2 सीटें एंग्लो इंडियन लोगों के लिए आरक्षित होती हैं, जिनका नामांकन राष्ट्रपति करते हैं। बाकी 543 सीटों के लिए चुनाव होते हैं, जैसा कि हो भी रहे हैं। इन 543 सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जातियों और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। और इन्हीं पॉइंट्स पर जो नेता है ना, वो फूक फूक कर, जो पार्टियां हैं फूक फूक कर कदम रखती हैं, और कैंडिडेट का चुनाव भी पूरा देख, जैसे सोना परखने के लिए कितनी बार उसको देखते हैं सुनार, वैसे ही इन सीटों को परखा जाता है। विधानसभाओं में भी SC ST के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। संविधान संशोधन, भारतीय संविधान में संशोधन भी एक जटिल प्रक्रिया है, इतना आसान नहीं है कि आपने कह दिया और हो गया। संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान उनकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने की संसद की शक्ति का जिक्र किया जाता है। कुछ संशोधन संसद में साधारण बहुमत से पास हो जाते हैं और कुछ संशोधन के लिए विशेष बहुमत 2/3 की जरूरत होती है। अब इसके अलावा कुछ संशोधन में विशेष बहुमत के अलावा आधे राज्यों की विधानसभाओं की भी मंजूरी अनिवार्य होती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुचर्चित बोमई केस 1994 में संविधान के मूल ढांचे की व्याख्या करते हुए साफ कर दिया था कि संविधान के मूल ढांचे में किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान में हालांकि 100 से ज्यादा बार संशोधन हो चुके हैं, और यह ज्यादातर उस वक्त हुए जब केंद्र में कांग्रेस की सरकारें नहीं है। तो फिर इस बार ऐसा क्या है कि इसकी ना सिर्फ चर्चा हो रही है, बल्कि सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी दोनों इसे अपने चुनावी प्रचार का हिस्सा बना रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं, मॉडल बना रहे हैं? क्यों? कुछ लोगों को लगता है कि सदन के सारे काम तो संसद की साधारण बहुमत से हो ही सकते हैं, अब ऐसा क्या है जिसे करने के लिए बीजेपी को 400 सीटों की जरूरत है? अब विपक्ष इसी बात को आधार बना रहा है, वो ट्रोल खासकर दलितों पिछड़ों को साधने की कोशिश कर रहा है कि प्रधानमंत्री संविधान को भाई खत्म कर देंगे, आरक्षण को भी खत्म कर देंगे, और इसीलिए वो 400 सीटें मांग रहे हैं। तो आप जरा शांत रहिए, आप लोग मत दीजिए बीजेपी को वोट, ऐसा विपक्षी दलों का कहना है। अब सवाल ये उठता है कि क्या विपक्ष के इस दावे का कुछ असर दलितों पर भी पड़ा है? क्या वो वाकई इस बात को लेकर चिंतित भी है, या आधे दलितों को पता ही नहीं है कि बीजेपी की जीत से संविधान को खतरा हो सकता है, आरक्षण खत्म हो सकता है? क्योंकि हमने देखा है 2014 के बाद से बड़े पैमाने पर दलितों पिछड़ों ने भर भर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दिया है। अब देखिए, बात मैं बिहार की कर लूं, यूपी की कर लूं, महाराष्ट्र की कर लूं, पंजाब की कर लूं, चार राज्यों की बात कर लेती हूं। यहां पर कुछ मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, अलग अलग वेबसाइट पर जाकर, अलग अलग ट्विटर हैंडल पर जाकर जाना है, ग्रुप में समझा है। तो अगर मैं बिहार की बात करूं, तो यहां पर बिहार के कुछ लोग ये कहते हैं कि यहां पर हम पढ़ाई करते हैं और आरक्षण का लाभ मिलता है, और कहीं ना कहीं समाज में बात पहुंचनी चाहिए कि बीजेपी की सरकार आरक्षण को ख़त्म कर सकती है, इसका वोटिंग पर भी असर पड़ रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने अलग अलग मन से आरक्षण को ख़त्म करने को लेकर बयान दिए। अब यहाँ पर रहने वाले कुछ लोग कहते हैं कि दलितों में चेतना है कि बीजेपी आरक्षण को ख़त्म कर सकती है या इससे कम कर सकती है, इसी के लिए
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लाया गया। आरक्षण का लाभ पाने वाले जो सामाजिक दंश को झेलते हैं उनके मन में संविधान आरक्षण के भविष्य को लेकर डर है और ये उनके वोटिंग पैटर्न में जरूर दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक जैसा ही सोचते हैं। बीजेपी भले ही संविधान बदलने, आरक्षण खत्म करने के आरोप विपक्ष पर लगा रहा है, पर बिहार में दलित नेता चिराग पासवान, जीतराम मांझी बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में है। अब ये है, अब दलित बस्ती की मैं बात करूं तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें देखी जा रही हैं कि गांव में ऐसी बातें कोई असर है नहीं है। वहाँ के लोग कहते हैं कि हमारी समझ में संविधान को नहीं बदला जा सकता और ना ही बदला जाना चाहिए। जो पढ़ा लिखा होगा, जिसको जानकारी होगी, उसे कोई डर नहीं होगा कि संविधान बदला जाएगा और आरक्षण छीन लिया जाएगा। चुनाव में तो इस तरह की बातें होती रहती हैं, ये लोगों का कहना है। यानी कि मिला जुला असर वोटर को किस तरह से खींच रहा है, वोटिंग पर्सन को किस तरह से अपनी ओर खींचता है, ये तो खैर 4 जून के बाद ही पता चल पाएगा। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कुछ लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल चिंता है, आशंका है। भाजपा के लोग दावा भी कर रहे हैं कि अगर बहुमत से हमारी सरकार आई तो संविधान बदल देंगे। समय समय पर आरक्षण के रिव्यू की बात करते आए हैं, इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ये दोनों दावे दलितों के हित में नहीं है। ये संविधान को बदल देंगे, जो आरक्षण है उसे खत्म तो नहीं करेंगे, लेकिन आरक्षण को नकार जरूर देंगे। अगर वाकई इस तरह का डर है तो क्या उनके वोटिंग पैटर्न पर भी इसका असर पड़ा है? इस सवाल के जवाब में वहां लोग कहते हैं कि अभी तक जो चुनाव हुआ, दलितों ने इससे अंदेशे को देखते हुए एक रणनीति अपनाई कि भाजपा हराओ और गठबंधन जिताओ, वो मायावती को भी वोट दे रहे हैं। अब देखिए, जब दलितों और पिछड़ों की बात आती है उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर हमने देखा था कि 2014 से पहले बीएसपी को वोट ज़्यादा जाता था, आधे लोगों का सपा को वोट जाता था। लेकिन 2014 के बाद से दलितों ने, पिछड़ों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताया और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने साधा भी है, उसका असर भी नजर आया है। लेकिन सवाल ये है कि अब जब संविधान और उसकी बात हो रही है तो क्या असर पड़ रहा है? बिल्कुल असर पड़ रहा है, 50% असर पड़ रहा है, 50% असर नहीं पड़ रहा है। जो दलित समाज से लोग आते हैं वो कहते हैं कि हम कोर वोटर हैं बहुजन समाज पार्टी के, उससे पहले कांग्रेस को वोट दिया करते थे, लेकिन अब माहौल दूसरा है, सरकार आरक्षण खत्म करने का प्रयास कर रही है, कर पाती है कि नहीं ये बात अलग है, लेकिन अलायंस को हम वोट करेंगे, हमारी पार्टी कमजोर है, दूसरा बीजेपी को हराना हमारा उद्देश्य है। ये धारणा कहीं ना कहीं बन रही है। यानी कि जो अगर नहीं भी हो संविधान, अगर संविधान बदलने की बात को नकार भी दिया जाए तो असर तो पड़ रहा है, असर पड़ रहा है बहुत ज्यादा। और ये जो इंडी गठबंधन सोच रहा है कि हमारे पक्ष में असर हो रहा है, तो नहीं। अगर आप दलितों और पिछड़ों की बात कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी जो है वो अगर आती है तो आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान को बदल देगी, तो उल्टा इसका असर ये हो रहा है कि बसपा को फायदा हो रहा है। ये समझने की ज़रूरत है। महाराष्ट्र में भी कुछ इस तरह की तस्वीर निकल कर सामने आई है, इसके अलावा पंजाब में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर हमने देखी है, क्योंकि ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर काफ़ी संख्या में एससी एसटी और ओबीसी लोग रहते हैं। तो यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि भले ही हम कितने भी दलित नेता बना लें, दलित को ये कह दें कि दलितों को आगे बढ़ाने की हम कोशिश करें, लेकिन जब आरक्षण संविधान को बदलने की बात आती है तो दलित खड़ा हो जाता है और बाबा साहब अम्बेडकर की बातें यहाँ पर बताने की कोशिश करता है कि संविधान ज़रूरी है, संविधान के हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए और आरक्षण में बदलाव नहीं होना चाहिए। हाँ, ज़रूरी है कि इसका इस्तेमाल राजनीतिक एजेंडे के तहत नहीं होना चाहिए। वाकई अगर आप दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए सोचते हैं तो उनके लिए काम करिए, कुछ ऐसी व्यवस्था बनाइए कि आरक्षण की ज़रूरत ही ना पड़े। पंजाब की मैं बात कर लूँ तो गोलाबादी करीब 33% लोग दलित समाज से आते हैं। यहाँ पर 13 लोकसभा सीटों में से कुछ पर दलित मतदाताओं की संख्या 40% से भी ज़्यादा है। तो समझने की ज़रूरत है कि फ़ायदा तो हो सकता है अगर सिर्फ और सिर्फ वोटिंग पैटर्न के हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन वाकई देश की चिंता है और जनता की चिंता है तो कहीं ना कहीं 400 पार तो मुश्किल हो पाएगा। @9 में आज तो इतना ही। टॉपिक आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आगे आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हम आगे वीडियो किस और टॉपिक्स पर बनाएं। धन्यवाद।